और कोई ग्रुप हम नहीं बनाए। अगर कहीं ग्रुप जरा सा भी बनने लग जाता है सहयोग का, तो उसको मैं तोड़ देती, और ऐसा तोड़ा है। अब जैसे ग्रुप बन गए, दिल्ली वाले हो गए, फिर दिल्ली में कोई हो गए तो जैसे करोल बाग के हो गए, तो कोई कहीं के हो गए, बम्बई वाले हो गए तो बम्बई वाले, उनमें भी अब कोई नागपाड़ा के हो गए, तो कोई दादर के हो गए, तो कहीं कहाँ के हो गए। अब करते करते फिर आप ऐसी छोटी जगह में पहुंच जाएंगे जहां सिर्फ आप अकेले बैठे रहेंगे और आप कहेंगे कि सहयोगी कहाँ गायब हो। तो इसमें कोई सी भी चीज ग्रुप नहीं बना सकती। जब इंसान में कैंसर सेट होता है तब वो ग्रुप बना के होता है। एक आदमी में अगर डीएनए जिसे कहते हैं एक आदमी में खराब हो जाए, एक सेल में अगर खराबी आ जाए, एक ही सेल में अगर खराब आ जाए, तो वो दूसरे सेल पे जोर करेगा और वो दूसरा सेल तीसरे पे करेगा, और ऐसा एक उनका गुट बनता जाएगा, और वो चाहेगा कि हमारा जो गुट है वो सबके ऊपर में हावी हो जाए। जब वो सब पे हावी होने लग जाए, तो जैसे कि समझ लीजिए कि आपके नाक के ही सेल्स हैं वो अगर बढ़ने लग गए, तो उन्होंने एक गुट बना लिया और एक बड़ा सा यहाँ पर लंप सा हो गया, और उसने जा करके आक्रमण किया आपके आँख के ऊपर में, आँख को ढक लिया, फिर वहां से गए कान को ढक लिया। इस तरह से कैंसर जो होता है वो अपनी अपेक्षा दूसरों को नीचे समझता है, और एक ग्रुप बना करके उनको जो दूसरे लोग हैं जो कि सहयोगी हैं उनको दबाता है। ऐसी बीमारी सहयोग में अगर फैल जाए तो उसका ठिकाना मैं खूब लगाती हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं लंदन में रहूँ, चाहे मैं अमेरिका में रहूँ, चाहे कहीं रहूँ, उसका ठिकाना अपने आप हो जाए। इसलिए किसी को भी कोई ग्रुपबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक ग्रुप के हैं। अगर 10 आदमी एक साथ रहते हैं और बार बार एक ही साथ 10 आदमी रहते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ग्रुप बन रहा है। सहयोगियों को कभी भी एक साथ 10 आदमी हर समय नहीं रहना चाहिए। जब आज इनके साथ बैठे तो कल उनके साथ, कल उनके साथ तो उनके साथ। जैसे कि हमारे अंदर जो रक्त के छोटे छोटे पेशियां हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, वो अगर समझ लीजिए एक जगह बैठ गए और 10 सेल ने सोचा कि हम यहीं बैठ जाएं, तो उस आदमी की मृत्यु हो जाए, सहयोग की मृत्यु हो जाए। इसलिए हम 10 आदमी एक साथ, क्योंकि हम एक ग्रुप के हैं, ये एक ग्रुप के हैं, वो एक ग्रुप के हैं। रक्ताभिसरण जिसे कहते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे अंदर ऐसे खुलेआम से होना हो, तो कोई सा भी ग्रुप नहीं बनना चाहिए। जहां ग्रुप आपने देखा बन रहा है, उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप पे चले, उस ग्रुप को तोड़िए, उसे कहना चलो इस ग्रुप के साथ आ जाओ, फिर वो उसके साथ आ जाए। इस तरह से जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आपकी कलेक्टिविटी में नेगेटिविटी बनती जाएगी। जैसे कि मैं कहती हूं कि आपने अगर मथन करके और मक्खन निकाला, मक्खन के कण चारों तरफ है, उसमें एक बड़ा सा मक्खन का ढेला डालना पड़ता है, फिर उसके आसपास सारे जो हैं कण उसको जुटते जाते हैं। पर 4-5-6 कण मिलकर के अलग से अगर बैठ जाए, तो जिसने मथा है वो कहता है जाने दीजिए बेकार ही है, तो मक्खन बेकार ही है, छोड़ दीजिए, जो बड़ा है उसको उठा लीजिए। तो सबको मिल मिल करके एक बड़ा सा मक्खन का जैसा स्वरूप है, इसी तरह से आपको भी एक बड़ा सा ग्रुप बनना चाहिए। करते करते फिर एक बड़े सागर में विलीन हो जाना चाहिए। तो एक बूंद को अगर आपको सागर में विलीन करना है, तो आप 4-5 बूंद बना के सिर्फ बबूले बनाइएगा। जो भी इस तरह से कार्य करता है, बबूला बना लेता है, और वो बबूले आप जानते हैं कि 2 मिनट के लिए आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही प्रकृति से ही होते हैं, उसको कोई करने की जरूरत नहीं। इसलिए कोई सा भी ग्रुप आपको बनाना नहीं, सबके साथ एक जैसा मिलना जुलना, सबको एक साथ जाना, सबसे एक साथ प्रेम रखना, और सबको एक साथ समझने की कोशिश। सो इसलिए बहुत उचित यही बात है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब हम मनुष्य नहीं, हम अति मानव हैं, और अति मानव की जो स्थिति है उसमें हमें सब दूर घूम फिर करके और अपना चित्त परमात्मा की ओर रखना चाहिए। ये बड़ी भारी एक कठिनाई आ जाती है सहयोग में शुरुआत में, जबकि कलेक्टिविटी आदमी पता नहीं क्यों तोड़ देता है।
ये भी एक आसुरी विद्या है जहाँ कनेक्टिविटी टूट जाती है। अब जैसे हम कहें कि बम्बई में ये काम कम है, पर दिल्ली में अब भी नहीं, और कलकत्ते का मुझे अभी मालूम नहीं हाल, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये बीमारियाँ फैलने मत दीजिए। आप लोग सब मेरे बेटे हैं और मेरी बेटियाँ हैं, आपस में कोई सा भी आप में अगर कोई मतभेद हो जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि आपस में आप ग्रुप बाजी मत करें। फिर एक ग्रुप बन गया, फिर वो ग्रुप वाले कहेंगे साहब हमारे आदमी को आप सामने करें, वो कहेगा हमारे आदमी को सामने करें, और उसका फिर असर क्या आएगा आप देखते हैं कि ऐसे लोग सहयोग से परान्मुख हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनका स्थान खत्म हो जाता है। जैसे गुरुओं को खत्म किया है वैसे ही इस तरह के लोगों को भी खत्म किया जाता है। सो मैं नहीं करूं तो आपकी प्रकृति ही करे। इसलिए आपको खास करके मुझे कहना है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त दें और दूसरों की ओर प्रेम दें, दूसरों को प्रेम दीजिए और अपनी ओर चित्त दें, अपनी ओर देखें और अपनी ओर देखिए, आप ये कहिए कि हम कैसे हैं, क्या हम ठीक है, क्या हमारे चक्र ठीक है, क्या हम में कोई दोष है, या अगर आप सोचते हैं कोई समझता है उससे जाके पूछिए कि भाई कोई चक्र पकड़ रहा तो बता दीजिए, हमारे समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन आप इस चीज को अपना लेंगे कि हम माँ के अंग प्रत्यंग में बैठे हैं, आप समझ जाएंगे कि आपका कितना महत्व है। आप चाहे जैसे भी हैं, हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब आपको भी हमें स्वीकार करना होगा और जानना होगा कि अब अत्यंत शुद्ध और पवित्र भाव से रहने से ही हमारी माँ को सुख और आनंद मिल सकता है।